त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव में अवैध शराब का प्रयोग रोकने के लिए आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार मिश्र के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी भगवान सिंह परिहर के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक व्रत पवई मुकेश पांडे के नेतृत्व में ये कार्रवाई पूर्ण की गई। आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे ने बताया कि चुनाव में अवैध शराब के प्रयोग के लिए स्टॉक बनाने की सूचना मिली है। वहीं मुखबिरों की सूचना पर आबकारी टीम ने पवई थाना अंतर्गत ग्राम रहटा में सियालाल चौधरी के मकान पर दबिश दी। आरोपी ने शौचालय में 2 पेटी अंग्रेजी शराब छुपाई थी, जिसकी कीमत 10,700 रुपए बताई गई है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास कुल 61.2 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत 24,680 रुपए है। ये पन्ना जिले के पवई थाना अंतर्गत ग्राम रेहुटा में आरोपी सियालाल चौधरी पिता गुलजारी लाल चौधरी के पास से लगभग 61.2 बल्क लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें 2 पेटी गोवा विश की और 5 पेटियां देसी मदरा प्लेन की जब्त की गई। कुल 342 पाव जब्त किए गए हैं।